तो जन विश्वास यात्रा का आज सातवां दिन है। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ रोड शो करने जा रहे हैं। बहराइच की बात करें तो यहां संतोष गंगवार मौजूद रहेंगे। अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। लखीमपुर खीरी में सांसद ब्रजभूषण मौजूद रहेंगे, तो वहीं देवरिया में मंत्री ब्रजेश पाठक कमान संभालेंगे। गोरखपुर में सांसद प्रवीण निषाद शामिल रहेंगे। एटा मैनपुरी की बात करें तो यहां केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और सांसद संघमित्रा मौर्य मौजूद रहेंगे। तो अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों पर ये जन विश्वास यात्रा निकल रही है बीजेपी की, और सभी नेता मंत्री बड़े बड़े लोग इस यात्रा में शामिल होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अपने 4.5 सालों में किए गए कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं और आगे क्या भविष्य में वादे किए जाते हैं उसकी जानकारी भी जनता के बीच है। तो जहां इस समय मौका है जनता के बीच जाने का, नेताओं का, पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी की एक खास जन विश्वास यात्रा चल रही है जिसका आज सातवां चरण है, और इस यात्रा के तहत तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं जनता के बीच और किस तरह से उनके कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर प्रदेश के विकास की, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो या फिर तमाम इंडस्ट्रीज को प्रदेश में लाने की, इन सभी को लेकर नेता और मंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। यूपी सरकार ने इस बीच प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुछ अन्य फैसले भी प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए हैं। शादी विवाह सहित सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी गई है। वहीं आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। इसके अलावा कई अन्य मानक भी तय किए गए हैं जिसका पालन करना जरूरी होगा। तो चुनावों से पहले कोरोना को नियंत्रित करने के लिए ये कई ठोस कदम प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए हैं, जिनमें से आज महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ नाइट कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। अगले आदेश तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। खासतौर पर व्यापारियों को कहा है कि वे ऐसे ग्राहकों को सामान ना दें जो कि बिना मास्क के आए हैं। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। यूपी की सीमा में आने वाले सभी लोगों को यहाँ अपना टेस्ट कराना होगा। और ये सीधे तस्वीरें फिलहाल आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को जहां आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, 97वीं आज उनकी जयंती है, और इस बाबत कई कार्यक्रम लखनऊ से लेकर दिल्ली, देश की राजधानी में आयोजित किए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें सीधी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। इसके बाद आज सीएम का आगे भी कार्यक्रम है और प्रतिमा पर अटल बिहारी वाजपेयी की आज माल्यार्पण किया गया है, फूल अर्पित किए गए हैं और आज उनके उन संदेशों को भी याद किया जा रहा है जो राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। बड़ा योगदान उनका बतौर प्रधानमंत्री रहा है और आज उन्हीं के आदर्शों को, संदेशों को याद किया जा रहा है, न सिर्फ बीजेपी के द्वारा बल्कि पूरे देश के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति से लेकर और समाज में एक बड़ा कद और सम्मान रहा है और आज उनकी जयंती पर लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है और अब वे आगे बढ़ते हुए उनका काफिला, यहां से कई और कार्यक्रम हैं जिनमें उन्हें शामिल होना है। आगरा भी आज जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। बटेश्वर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है, वहां भी जाएंगे आज सीएम। और इस बीच कई सौगातें दी जाएंगी, युवाओं में टैबलेट और मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। तो आज कई कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हो रहे हैं देश प्रदेश में, और इन्हीं में से एक की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की है। तो आज लखनऊ के अलावा आज आगरा में भी कार्यक्रम है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पहुंचे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री
और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सभी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अटल जी को नमन किया गया आज दिल्ली में उनके स्मारक पर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहली तस्वीर में आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद।